कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे। शहर के नया बस स्टैंड के पास श्री बघेल ने मिनी माता की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया। मीडिया से बातचीत में श्री बघेल ने बीजेपी को जमकर कोसा, आरएसएस को भी निशाने पर लेते हुए बघेल ने कहा कि ये लोग तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करते हैं। अब यही लोग हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि करीब 52 सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। बीजेपी के लोग अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बघेल ने यह भी कहा कि अब किस मुंह से तिरंगा यात्रा लेकर ये लोग बीत जाएंगे। कल भारतीय जनता पार्टी कल से हर घर तिरंगा अभियान चलाई जा रही है, उसको लेकर नगरीय निकाय चुनाव होने वाले फिर कई बार जनता को वोट बैंक साधने के प्रयास किए जा रहे हैं, कह सकते हैं उसको। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बताना चाहिए कि बिजली दर इतना महंगे क्यों हो गया। उन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की तो उसको क्या हुआ? ये इन सवालों का जवाब इनको देना चाहिए। 200 उद्योग बंद हो गए, लोगों को रोजगार छीन गया है, उसके बारे में इनको जवाब देना चाहिए। तो ये जनता को दाया बाया करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे इनको राष्ट्र प्रेम इनका दिखावा भर है। आजादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। आरएसएस कार्यालय में 52 साल तक ये तिरंगा झंडा फहरा नहीं। तो ये आज तिरंगे की बात करते हैं। संविधान जब लागू हुआ तो संविधान को जलाने का काम किए थे, उसका विरोध किए थे ये लोग। तो अम्बेडकर सहित महात्मा गांधी सहित सारे लोगों को रावण की मुंडी में लगा के ये लोग उसका वध कर रहे हैं। तो कार्टून बनाया था आपने देखा होगा, बहुत पुराना कार्टून 1948 का, उसमें भी आप देखेंगे। 50 की बात करें जब संविधान लागू हो तभी ये लोग विरोध कर रहे थे।